कोतवाली पुलिस ने दो दिन में किया चोरी का खुलासा। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में दिन पर दिन चोरी की घटना बढ़ती जा रही है और चोरों को कोई खौफ नहीं रहा। दो दिन पूर्व ही कोतवाली स्थित कपड़े की दुकान से चोरों ने लाखों की नकदी पर हाथ साफ किया था, जिसका दो दिन के अंदर कोतवाली पुलिस ने खुलासा कर दिया। जहां एक ओर चोरों डकैतों के हौसले बुलंद हैं, तो वहीं पुलिस भी बहुत सजग व जागरूक है। तो वहीं दो दिन के अंदर ही कोतवाली पुलिस ने लाखों की चोरी की गुत्थी सुलझा दी है, जिससे प्रशासन के द्वारा कोतवाली पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की जा रही है। दो दिन पूर्व मुरादाबाद में कोतवाली स्थित चंदौसी वालों के नाम से कपड़े की दुकान थी, जिसमें लाखों की नकदी पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया था। तो वहीं स्वामी ने घटना की सूचना पुलिस को दी, तभी से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। तो आज कोतवाली पुलिस को सफलता हाथ लग गई है और दुकान पर ही काम करने वाले लड़कों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। पकड़े गए नाबालिग अपराधियों के पास से 1,05,000 की नकदी, एक पिस्टल लाइटर के साथ दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 15,000 दोनों अपराधियों ने खर्च कर लिए हैं और आगे की कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। मुरादाबाद से अशरफ अली की रिपोर्ट। ये 14 तारीख को थाना कोतवाली क्षेत्रांगल एक कपड़ा व्यापारी के दुकान से उसके जो गल्ले थे उससे चोरी हो गए थे पैसे। उसमें थाना कोतवाली ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए अगले दिन ही उसका सफल अनावरण कर लिया है, जिसमें से उसी के दुकान में काम करने वाले दो व्यक्ति थे जो अंडर एज है, 18 साल से कम उम्र के थे, उन्हीं के द्वारा यह घटना कारित की गई थी। इन लोगों ने उसके दुकान से 1,20,000 रुपये चुरा लिए थे। इन्होंने ये रात्रि के लगभग 12 बजे पीछे के रास्ते से दुकान के अंदर एंटर किया था। उसमें भी इनसे पूछताछ करने पे बताया गया तो ये लगभग एक हफ्ते से इसकी प्लानिंग कर रहे थे। जो पीछे का जो गेट था, जो कुंडी लगती थी उसमें, उसके बीच में उन्होंने थोड़ा मॉडिफिकेशन पहले से ही कर लिया था ताकि जब वो रात में एंटर कर रहे तो उन्हें आसानी हो। और इनके पास से कुल 1,05,000 रुपये बरामद किया गया, साथ ही एक पिस्टल नुमा एक लाइटर भी इनसे बरामद किया गया है। 15,000 जो इन्होंने बताया कि हम लोगों से खर्च हो गए थे, इन दोनों ही लड़कों की गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है और इन ये लाइन पर मझौला के रहने वाले हैं। इनका अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और दोनों ही नाबालिग हैं और इन्होंने जो बताया कि पहली बार इस तरह की इन्होंने घटना करी है। और इनके ये जो दोनों ही लड़के थे, एक लड़का इन्हीं की दुकान पे काम कर रहा था और एक जो दूसरा लड़का था वो लगभग एक साल पहले इसी दुकान पे इन्होंने काम किया है और चोरी में जो मुकदमा लिखा गया उसी के अंतर्गत इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, चोरी की दुकान में काम किया जा रहा था, क्या दुकान में नाबालिग से काम किया जा रहा था? इसमें भी अलग से गठित कर दी गई टीम, इनका जो रोल रहा है उसके बारे में और जो भी जो बाल श्रम के अनुसार जो अनुरूप जो रूल्स हैं उन्हीं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। और जो हजार्डवस इंडस्ट्रीज और नॉन हजार्डवस इंडस्ट्रीज के बारे में जो गाइडलाइन है उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, चोरी कितनी थी? इन्होंने जो बताया कि 1,20,000 रुपये इन्हें मिले थे और 60,000 इन्होंने आपस में बांट लिए थे और कुल रिकवरी 1,05,000 की हुई है इनके पास।